आज दिस इज अ रेप्लिका ऑफ दैट गोरी टेल, वो जो 2014 की थी। ये जो धरने दिए जा रहे हैं और रोज इस्लामाबाद पर चढ़ाई हो रही है, मैं समझता हूँ कि ये मजमूम इरादे हैं, नापाक का वो अजायम है जो पाकिस्तान को। अब ये क्यों हो रहा है, ये जो एक जत्था है उसको ये मंजूर नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वो इसमें बिल्कुल लोट पोट हैं कि भाई अगर इकॉनमी संभल गई, मईशत अगर पाँव पे खड़ी हो गई तो पर हमें कौन पूछेगा। विफाक पर दिन रात चढ़ाई और धमकियां दी जा रही हैं। जो कुछ 2014 में हुआ वही अब दोहराया जा रहा है। धरने की साजिश दोबारा नहीं होने देंगे। फिसादी होश के नाखून ले इस्लामाबाद पर चढ़ाई के मजमूम और नापाक अजायम है। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं। इन्हें फिक्र है कि मईशत पांव पर खड़ी हो गई तो हमें कौन पूछेगा। जहां धरने होंगे वहां कौन सरमायाकारी करेगा। दुश्मन पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबिना के इजलास से खिताब, कहा कराची में चीनी इंजीनियर्स पर हमला अफसोसनाक और शर्मनाक है। चीनी और पाकिस्तानी अवाम अफसरदा है। दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा हौसला पहले से ज्यादा मजबूत है। मामलात को यही नहीं छोड़ेंगे, सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाएंगे। चीनी सफीर को यकीन दिलाया कि एससीओ के लिए जामे इंतजाम किए। वफाकी काबीना के इजलास का एलामिया जारी। इसराइली बर्बियत से मुतासर अफराद की इमदाद के लिए वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए फलस्तीन लेबनान कायम करने की मंजूरी। स्टेट बैंक को अकाउंट खोलने के हवाले से जरूरी हिदायत जारी। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में 8 लाख लोग मुतासर हुए हैं पिछले 3 से 4 दिनों में। ये आप मत कीजिए कि हम दुकानें बंद करवा देंगे, हम बाजार बंद करवा देंगे, उसका बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बड़ी मेहनत करके हम इस लेवल पे हम लेकर आए हैं कि मुआशी इस्तेहकाम लेकर आए, ताकि इस मुआशी इस्तेहकाम के बेसिस पे हम इसको ग्रोथ की तरफ लेकर जा सके। जो पॉलिसी रेट नीचे आना शुरू हुआ है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये बतदरीज नीचे आएगा। एक दिन एहतजाज से 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। हड़ताल या एहतजाज अगर एक हफ्ते चले तो मईशत को कितना नुकसान होगा। एक दिन एहतजाज से जब शहर बंद होता है तो मईशत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एहतजाज करने वालों को सोचना चाहिए। एहतजाज से सिर्फ इस्लामाबाद में 8 लाख लोग मुतासर हुए। एहतजाज करने वाले मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करें। इस वक्त हम एहतजाज अफोर्ड नहीं कर सकते। हम बड़ी मेहनत से मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लेकर आए। मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर चल पड़ी है। मौशी इस्तेहकाम के सम्राट आने शुरू हो गए हैं। आने वाले दिनों में शराय सूद में मजीद कमी आएगी, महंगाई में मजीद कमी होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की खसूसी गुफ्तगू। चीन के एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन के वफ्द का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सनअती तरक्की के इम्कान और सरमायाकारी के मौके पर ब्रीफिंग। वफ्द ने सनअत, बैंकिंग, दिफा, तवानाई और ज़राअत समेत अहम शोबों में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी जाहिर की। वफ्द का पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी को आसान बनाने के लिए SIFC पर एतमाद का इजहार। शंघाई तआवुन तंजीम के सरबराह इजलास की तैयारियों और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास। मोहसिन नकवी की रेड जोन बिलखसूस VVIP रूट्स की ब्यूटिफिकेशन यकीनी बनाने की हिदायत। जिना कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आराइश के फिनिशिंग का काम जल्द मुकम्मल करने का टास्क। वज़ीर दाखला ने कहा कि अहम शाहराहों के अतराफ़ दीदा ज़ेब लैंडस्केपिंग की जाए, शहर भर को खूबसूरत फूलों और फैंसी लाइट से सजाया जाए। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। हमलावर की मजीद तफसीलात सामने आ गई। दहशतगर्द शाह फहद 2023 में भी अपने भाई और साथी के साथ कराची आया था। शराय फैसल के एक रेस्ट हाउस में ठहरा था। कानून नाफिज करने वाले इदारों की मलेर मॉडल कॉलोनी और ईसा नगरी में छापे। दहशतगर्द को सहूलियात फ्राहम करने के शुबे में खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। एयरपोर्ट के इतराफ की आबादियों में लगे CCTV कैमरों की फुटेज हासिल करने का अमल जारी। मोबाइल टावर्स की जियो फेंसिंग भी की जाएगी। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके में 2 चीनी इंजीनियर समेत 3 अफराद हलाक और 17 जख्मी हुए थे।
पश्तून तहफ़ मूवमेंट के कलदम TTP और अफगान तालिबान से रबते हैं। PTM ने बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले किए, हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलविस पाए गए। सब चीज़ें साबित होने के बाद पाबंदी लगाई गई। PTM को बैरून मुल्क से फंडिंग की जा रही थी। तहकीकात हो रही है कि PTM को फंडिंग कहाँ से हो रही है। PTM ने पाकिस्तान के झंडे को नजर आतिश किया। वज़ीरे इत्तला अतातर्ड की मीडिया से गुफ्तगू, कहा यह सबक तहरीक इंसाफ के लिए भी है। तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं कि बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। किसी को भी मुल्क के खिलाफ साजिश की इजाजत नहीं दी जा सकती। मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। मुल्क में नए सूबों का क़याम नागुज़ीर हो गया। नए सूबों का क़याम पाकिस्तान में बेहतर हुक्मरानी और तरक्की के लिए ज़रूरी है। दुनिया न्यूज़ के सर्वे में आवाम ने नए सूबों के क़याम की हिमायत कर दी। दुनिया न्यूज़ के YouTube पर नए सूबों के हवाले से किए जाने वाले सर्वे में 76% ने नए सूबों के क़याम पर हाँ कहा, 19% ने कहा कि नहीं और 4% ने कोई जवाब नहीं दिया। दुनिया न्यूज़ के ट्विटर पर सर्वे के मुताबिक 71% ने नए सूबों के क़याम पर हाँ कहा, 24% ने नहीं और 5% खामोश रहे। इसी तरह दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट पर 80% ने हाँ कहा, 18% ने नहीं और 2% ने कोई राय नहीं दी। मौलाना फजल रहमान का आईनी अदालत के क्याम पर मशरूत रजामंदी का इजहार। पार्लियामेंट के दोनों ईवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला। आईनी तरमीम से मुतालिक हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ मान ली। फजल रहमान आईनी तरमीम पर अपना मसवदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मसवदा JJFA से शेयर करेगी। पहले मरहले में आईनी अदालत के क्याम और उसके जजेस के तकर्रर और इख्तियार से मुतालिक तरमीम लाई जाएगी। तहरीके इंसाफ के एहतजाज का मामला, इस्लामाबाद पुलिस ने KPK की रेस्क्यू की 17 गाड़ियां कब्जे में ले लीं। 6 एम्बुलेंस, 7 फायर टेंडर्स, 3 वाटर ब्राउजर्स और 1 क्रेन भी शामिल। रेस्क्यू की गाड़ियां वजीर आला अली अमीन गंडापुर के साथ आई थी। पंजाब दाखिल होने के लिए रुकावटें हटाने के लिए रेस्क्यू गाड़ियाँ मरदान, चारसद्दा, पिशावर, बाजौर, दीर, स्वाद और स्वाबी से मंगवाई गई थी। रेस्क्यू गाड़ियों और अमले ने इस्लामाबाद की हदूद में रुकावटों को हटाया। एहतजाज के दौरान 64 रेस्क्यू अहलकार, KP पुलिस के 24 अहलकार, TMA पिशावर के 8 अहलकार भी गिरफ्तार किए गए। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अफगान बलवाइयों के मजीद होशरुबा बयानात। पुरअमन एहतजाज के नाम पर अफगान शहरियों ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने इंतशार फैलाने वाले मुतादिद अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। PTI क़यादत के इमा पर बदअमनी और इंतशार फैलाया, अफगान बाशिंदों का इंकशाफ। PTI ने 2000 रुपए का लालच देकर तोड़फोड़ करने का कहा, अफगान शहरी। वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर की वफाकी हुकूमत को IG इस्लामाबाद को हटाने के लिए वार्निंग। KP असेंबली इजलास में कहा कि IG को ना हटाया गया तो इस्लामाबाद पर धावा बोलेंगे। IG ने सूबे के वज़ीर-ए-आला पर हमला किया, तैयार हो जाओ हम फिर आ रहे हैं। जब ये दरवाजे तोड़ रहे थे तो मुझे बताया गया कि सारी गाड़ियाँ तोड़ दी गई। अपने साथ होने वाला जुल्म माफ़ नहीं कर सकता। कारकुनान का बदला ज़रूर लेंगे। बानी PTI ने कहा था कि इजाज़त मिले ना मिले एहतजाज रिकॉर्ड करना है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के लोग बदतरीन शेलिंग में डटे रहे। पुलिस रेंजर्स को पीछे धकेल कर हम डी चौक पहुंचे। हमें मवेशी मंडियों में इजाजत दी जाती है जैसे जानवर हों। ये सारे के सारे बेनकाब होंगे। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा के नाहली के लिए पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। अली अमीन गंडापुर ने लश्कर के साथ वफाकी हुकूमत पर चढ़ाई की जो तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आला KP ने जलसों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किया। अली अमीन गंडापुर ने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, Article 62 के तहत ना अहल किया जाए दरख्वास्त में इस्तदा। KP हाउस को भी सील किया गया है। ये हमारे लिए एक बहुत ही खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए एक बहुत बेइज्जती है कि हमारे हाउस को, हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा की जो वहाँ पे फेडरेशन का वहाँ पे एक अलामत है उसको जो है तो सील कर दिया गया है। आईन में तब्दीलियाँ हो रही हैं। इधर जो है तो आप छोटी बातों पे बातें कर रहे हैं।
एक वक्ती टोला, एक टोला जो कि इस वक्त अपनी हर तरह से हर आईन हर कानून को पसे पुष्ट रख कर और ऐसे इकदाम कर रहा है, वो किसी तूरत में भी इस मुल्क को ना आगे ले जा सकते हैं, न इस मुल्क के लोगों को गुरबत से निकाल सकते हैं, न इस मुल्क में अमन कायम हो सकता है। डी चौक का एहतजाज काफ़ी कामयाब रहा। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली में अपनी पोजीशन वाजे की। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को सील किया गया, ये सूबे के आवाम की बेइज्जती है। आइनी तरामीम में जो चीज़ें हो रही हैं वो नाकाबिल कबूल हैं। एक टोला आइन को पसे पुश्त रखकर ऐसे इकदाम कर रहा है, सैनिटर शिपली फराज की मीडिया टॉक। एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला की तस्दीक की गई। के पी हाउस पर हमला आइन पर हमला है। बुनियादी आइनी हकूक को ख़त्म करने की तरमीम लाई जा रही है। हम अपनी आइनी जंग हर फोरम पर लड़ेंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ का एहतजाज हिकमत अमली तब्दील करने का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े शहरों के बजाय ज़िला सतह पर एहतजाज करेगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने नई हिकमत अमली की तस्दीक कर दी। पीपल्स पार्टी ना पहले कभी उसका हिस्सा बनी है और ना आइंदा इंशाल्लाह उसका हिस्सा बनेगा, और हम चाहते हैं कि वो 142 में से जो 130 नंबर पे हम हैं, इस नंबर को बेहतर किया जाए। और ना हमारी कोई ख्वाहिश है कि कोई इस किस्म की हम तरमीम करें कि जिसकी वजह से बाद में पछताना पड़े। पीपल्स पार्टी किसी गैर आइनी तरमीम का हिस्सा ना बनी ना अब बनेगी। हम चाहते हैं कि जजेस पर कोई उंगली ना उठा सके, मेरिट पर फैसले हों। ऐसी किसी तरमीम की ख्वाहिश नहीं जिस पर बाद में पछताना पड़े। मुकद्दस गाय ना समझें, कारकर्दगी पर जुडिशरी को नंबर दें। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मीडिया टॉक।